हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण। कौन सा वैज्ञानिक उपकरण या यंत्र क्या काम करता है? तो सबसे भाई पहले स्टार्ट करते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या होता है? इस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। ऑडियो मतलब आवाज़, तो आपने याद रखना है ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है, उसको मापते हैं। उसके बाद है एनीमोमीटर। एनीमो होता है वायु की गति का मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है एमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एमीटर और हिंदी में बोलते हैं अमीटर। अमीटर होता है विद्युत धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर होता है। फिर आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडल दाब को मापते हैं। क्रोनोमीटर जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए, जो जलयान होते हैं उनमें टाइम सही से पता लग जाए कितना हुआ है, उसको बोलते हैं क्रोनोमीटर। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र, कि पौधे ने कितनी वृद्धि कर ली है, कैसे मापेंगे, कैसे पता लगेगा, क्रेस्कोग्राफ। फिर है फैदोमीटर। फैदोमीटर क्या है? समुंदर की गहराई मापने का यंत्र, कि समुंदर कितना गहरा है उसको मापते हैं, तो फैदोमीटर में मापते हैं। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइगर मुलर काउंटर, जिसको बोलते हैं GM काउंटर भी बोलते हैं इसको। तो क्या होता है? किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण या रेडिएशन की गणना की जाती है। तो GM काउंटर उस मीटर को बोलते हैं जो रेडिएशन को मापता है। किसकी रेडिएशन को मापता है? जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनकी रेडिएशन को कौन मापता है? GM काउंटर या गाइगर मुलर काउंटर। उसके बाद फिर दोनों इम्पोर्टेंट आ गए हैं हाइड्रोमीटर एंड हाइग्रोमीटर। हाइड्रो नाम से पता लग रहा है, हाइड्रो मतलब पानी, तो यहाँ पे हमने पानी नहीं लेना है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। हाइड्रो और हाइग्रो ये दोनों कन्फ्यूज करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो हाइड्रो क्या होते हैं? हाइड्रोमीटर ध्रुवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है। मतलब कि कोई भी द्रव है उसका घनत्व कितना है, वो कितना मतलब कि गाढ़ा या पतला बोल सकते हैं, है वो मापते हैं हाइड्रोमीटर के साथ, ध्रुवों के साथ। और हाइग्रोमीटर क्या है? वायुमंडल की अंदरता को मापने वाला यंत्र। बारिश के बाद देखते हैं हम कि वायु में नमी बढ़ जाती है, तो कितने प्रतिशत हो गई है, कितने प्रतिशत कम हो गई है, उसको मापते हैं हाइग्रोमीटर के साथ। और हाइड्रोमीटर क्या होता है? ध्रुवों का घनत्व मापने का यंत्र। उसके बाद है लैक्टोमीटर। जहाँ पर भी शब्द आपको दिखे लैक्टो का मतलब है कि दूध से संबंधित। लैक्टोमीटर क्या होगा? दूध की शुद्धता मापने का यंत्र। इससे पता लग जाता है कि दूध की शुद्धता कितनी है, उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। उसके बाद है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। जो गैस है किसी भी कंटेनर में, सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो कितना दाब लगा रही है, वो कैसे पता लगेगा? मैनोमीटर के द्वारा। फिर होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बोल क्या होता है? मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। इसकी सहायता से समुद्र की सतह पर आंकलन किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या होता है? पनडुब्बी पानी में डूबी हुई होती है और इस यंत्र की सहायता से समुद्र के ऊपर की सतह पे क्या चल रहा है, पेरिस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं। मतलब ये जल के नीचे होके भी हम ऊपर का देख सकते हैं इस यंत्र की सहायता से। उसके बाद है पायरोमीटर। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया। पायरोमीटर उच्च ताप का मापन करता है। पायरोमीटर क्या होता है? हाई टेम्परेचर, जो ज़्यादा तापमान है उसको मापते हैं पायरोमीटर के साथ। उसके बाद है रेन गेज, वर्षा मापक यंत्र। आपने सुना भी होगा कि
इतनी 170 mm बारिश हुई, 160 हुई, कितनी हुई, वो कैसे मापते हैं? रेन गेज एक यंत्र होता है, उससे हमें वर्षा मापते हैं। उसके बाद है सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर। सिस्मो सिस्मो का संबंध होता है भूकंप से, किससे होता है? भूकंप से। तो भूकंप कितनी स्पीड का था, भूकंप मापने के लिए सिस्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और मापते किस चीज़ में है भूकंप को? मापते हैं रिक्टर पैमाने के ऊपर, रिक्टर। उसके बाद है सफ गैमो मैनोमीटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। सफ गैमो मैनोमीटर, रक्त दाब का मापन किया जाता है। तो ये कौन सा होता है? आपने देखा होगा जो डॉक्टर होते हैं हमारी बाजू के चारों तरफ, वो कपड़ा सा लपेट के हमारा बीपी चेक करते हैं। तो उस यंत्र का क्या नाम है? सफ गैमो मैनोमीटर, उस यंत्र का नाम है। उसके बाद है सोनार। सोनार क्या होता है? समुन्द्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाया जाता है। सोनार एक ऐसा सिस्टम होता है कि समुन्द्र के अंदर छिपे हुए कोई भी पदार्थ है, कोई जहाज डूब गया या पनडुब्बी है, कितनी गहराई पे है, तले समुन्द्र की का जो नीचे का हिस्सा है, मतलब कि तले उसकी कितनी गहरी है, वो हम सोनार से पता लगाते हैं। और एक और याद रखना अपने, रेडार। रेडार क्या होती है? जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, उनका पता लगाने के लिए यूज करते हैं रेडार को, और समुद्र में सोनार को। उसके बाद है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? वोल्टेज को कम या अधिक किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को कम या अधिक कर सकते हैं। उसके बाद है ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले यंत्र। ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले यंत्र कौन कौन से हैं, वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले है विद्युत सेल। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? जो जैसे घड़ियों या इसमें घड़ियों में, रेडियो में होते हैं, उन सेलों को बोलते हैं विद्युत सेल। तो क्या होता है? विद्युत सेलों में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है। रासायन होते हैं, उनके अंदर केमिकल होता है, और उससे विद्युत ऊर्जा होती है। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो का मतलब है लाइट से, इंग्लिश का फोटो शब्द है, फोटो का मतलब है लाइट या प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, बदल देता है कौन? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। उसके बाद है डायनेमो। डायनेमो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का बनना। मतलब क्या है? जनरेटर चलाते हैं हम, जनरेटर चलाने से क्या है, वो चलने से उसमें तेल डलेगा, वो चलेगा, तो उससे क्या बनेगा, बिजली बन जाती है जनरेटर में, तो उसको डायनेमो की तरह होता है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। जो हम बोलते हैं उस बोलने से सिग्नल हैं जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा के बन जाते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोफोन। फिर है मोटर। जो मोटर, कोई भी मोटर होती है, वो बिजली से चलती है, विद्युत ऊर्जा से चलती है, और वो काम करती है यंत्र की तरह। तो मोटर क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। उसके बाद है सितार। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। इंजन। इंजन में क्या होता है? ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। ऊष्मा, वो गर्म होता है, तो उसे से यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा का बनना या बदल देता है। लाउड स्पीकर बिजली से चलता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद है प्रमुख चिकित्सीय उपकरण एवं विधियां। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है? कि इस उपकरण का हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा ध्वनियों में रक्त प्रभावित होता है। पेसमेकर ये इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आया है कि पेसमेकर क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। पेसमेकर उन मरीजों को लगाया जाता है जिनका हार्ट बीट बिल्कुल कम होती है,
हार्ट बीट बिल्कुल कम होती है, मतलब क्या है, दिल की धड़कन बिल्कुल कम है। तो उनमें लगाने से क्या होगा, ये उसको धड़कन को बढ़ाने का काम करेंगे ताकि शरीर के अंदर ब्लड की सप्लाई हो सके। ये काम कौन करता है, पेसमेकर। उसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, जहाँ भी आपने कार्डियो दिख जाए, जहाँ भी कार्डियो, कार्डियो का मतलब है हार्ट से संबंधित, दिल से संबंधित है, हार्ट से संबंधित। तो कार्डियोग्राफ क्या है, हृदय संबंधी बीमारियों के का अध्ययन, हृदय संबंधी जो बीमारी हैं उनको ये रिकॉर्ड करता है। फिर है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है, फोनेटिक्स आवाज़ है हमारी, स्वर ध्वनि का अध्ययन करना, जो हमारी आवाज़ है, ध्वनि है, उसके ऊपर जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं फोनेटिक्स। फिर है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होती है, फाइकोलॉजी होती है शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पेपरों में आया है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही।